हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.21। टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म कंपाउंड हैविंग अ फॉर्मूला Ab2 एंड Ab4। व्हेन डिसॉल्व इन अ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, 1 ग्राम ऑफ Ab2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन, whereas 1 ग्राम ऑफ Ab4 लोअर्स इट बाय 1.3 केल्विन। द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.1 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ ए एंड बी। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो होगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम टू इंटू डब्ल्यू वन। देखो अब मैं इस इक्वेशन में ये सभी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने वाला हूँ। लाइक डेल्टा टी एफ जो हमें दिया है डिप्रेजन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना है 2.3 है, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया है। के एफ जो है मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर बेंजिन उसकी वैल्यू है 5.1, तो वो हमने सीधा यहाँ पे रख दिया है। W2 मतलब कितने ग्राम है, तो हमारा जो Ab2 है वो 1 ग्राम है इसलिए हमने यहाँ पे 1 ग्राम लिखा, 1000 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। M2 जो हमें पता नहीं इसलिए हमने सीधा M2 रखा, और W1 मतलब जो सॉल्वेंट है उसका कितना मास है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि 20 ग्राम ऑफ बेंजीन तो वो आएगा 20। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे M2 को सब्जेक्ट बना के, तो M2 का आंसर जो आएगा वो होगा 110.86। अब आपको पता है कि ये जो हमने सब कुछ लिखा है वो Ab2 के लिए हमने ये सॉल्व किया है। सेम टू सेम वे से हम Ab4 के लिए करेंगे, राइट। तो देखो Ab4 के केस के अंदर KF तो एज इट इज उतना ही आएगा, लेकिन ये डेल्टा TF जो Ab2 के केस में 2.3 था अब इस केस में कितना है 1.3, देखो यहाँ पे लिखा है, राइट। ओके 1 भी ऐसा रहेगा, 1000 भी ऐसा रहेगा, M2 भी सेम एंड 20 भी रहेगा ऐसा का ऐसा। तो चलो अब M2 फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमें मिला 196.15 ग्राम पर मोल। तो अब हमें Ab2 एंड Ab4 के मोलर मास मिल गए हैं। हमारा क्वेश्चन है एटॉमिक मासेस ऑफ A एंड B फाइंड करना है, तो चलिए वो फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो A प्लस 4B तो उसका मास कितना है 196.15 ग्राम पर मोल, राइट। ओके वैसे Ab2 के केस में क्या आएगा 1A प्लस 2B तो उसका मोलर मास कितना है 110.86। अब हम क्या करेंगे, इस 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। इक्वेशन 1 माइनस 2, तो देखो उसमें क्या होगा, चलो इक्वेशन लिख देते हैं। यह इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यह इक्वेशन 1 का पार्ट और यह इक्वेशन 2 का पार्ट। अब देखो A निकल जाएगा, 4B माइनस 2B तो होगा वो 2B, और 196.15 माइनस 110.86 करेंगे तो आंसर आएगा 85.29। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो B का आंसर आएगा वो है 85.29 बाई 2, दैट मीन्स 42.64 ग्राम पर मोल। ये हमें सिर्फ अभी तक B मिला है। अब A चाहे तो क्या करना पड़ेगा, अब इस B की वैल्यू आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में रख दो। तो चलो हम कर रहे ये वाली इक्वेशन 2 में बी की वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस 2B इज इक्वल टू 110.86। अब बी की वैल्यू जस्ट हमने यहाँ पे फाइंड आउट की वो रखेंगे 42.64। ये जो अननोन A है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें जो A का आंसर मिलेगा वो होगा 25.57 ग्राम पर मोल। तो ये दोनों हमारे A और B के एटॉमिक मास यहाँ पे मिल गए हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.22। At 300 Kelvin, 36 gram glucose present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 bar. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, what would be its concentration? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे मास दिया है ग्लूकोज का वो है 36 ग्राम, तो हमने W2 is equal to 36 लिखा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ पे लीटर बोला है तो V होगा 1 लीटर, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98 बार वो भी हमने लिख दिया। अब जो सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है 1.52 बार और उस पे हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे रखा क्वेश्चन मार्क, राइट। अब यहाँ पे जो इक्वेशन यूज होने वाली है वो है पाई वी इज इक्वल टू W2RT बाय M2। पाई की वैल्यू हमारे पास है, वॉल्यूम 1 लीटर है, W2 हमारे पास है, R है, T है, सिर्फ फाइंड आउट करना है M2। तो देखो वो सभी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की, राइट। 4.98 जो है हमारा पाई, वॉल्यूम है 1 लीटर, वेट ऑफ ग्लूकोज जो सॉल्यूट है हमारा वो है 36 ग्राम,
आर की वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 300 और एम टू हमारा एज इट इज ये रहा, और एम टू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल। अब क्या करेंगे, ये सेकेंड कंडीशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज हो रहा है 4.98 से 1.52, तो जो यहाँ पे 4.98 है उसके प्लेस पे आ जाएगा 1.52, बाकी वॉल्यूम भी 1 लीटर रहेगा, 0.083 आर रहेगा, टेम्परेचर भी उतना रहेगा, एम टू के प्लेस पे आ जाएगा 180 और हमें फाइंड आउट करना है W2। तो देखो W2 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हमें मिला आंसर 10.98 ग्राम, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राम नहीं चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे मिलेगा, तो उसके मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, और मोल का मतलब क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास ग्लूकोज का मिला 10.98 और मोलर मास ग्लूकोज का है 180, तो ग्लूकोज के हमको जो मोल मिले वो है 0.061 मोल, और ये जो मोल है ये एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर है, दैट मीन्स मोल पर लीटर, उसको हम बोलते हैं मोलारिटी, राइट, मोल 0.061 और 1 लीटर में। तो इन शॉर्ट ये 0.061 क्या होगा, इसकी मोलारिटी, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.23, सजेस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव इंटरैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। तो चलो हम सीधा पेयर देखते हैं और वन बाय वन उन पेयर को सॉल्व करते हैं, लाइक उनके बीच में कौन से टाइप का अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होगा। तो पहली हमारी पेयर है एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन, और आपको पता है ये दोनों नॉन पोलर है, और ये नॉन पोलर होने की वजह से इन दोनों के बीच में वैन डर वाल्स इंटरैक्शन होगा। सेम वे से आयोडीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में भी वैन डर वाल्स इंटरैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों भी नॉन पोलर है। हमारी थर्ड पेयर है सोडियम परक्लोरेट, दैट मीन्स NaClO4 एंड वाटर। जब ये NaClO4 वाटर में डिजोल्व होगा तो Na+ एंड ClO4- के आयन्स बन जाएंगे, जो आयन इंटरैक्ट करेंगे वाटर के साथ, दैट मीन्स यहाँ पे आयन डाइपोल इंटरैक्शन होगा। आयन होगा NaClO4 की साइड से और जो डाइपोल बनेगी वो वाटर की, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरैक्शन होगा। नेक्स्ट पेयर है हमारी मिथेनॉल एंड एसीटोन, तो यहाँ पे मिथेनॉल और एसीटोन के बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि मिथेनॉल का OH ग्रुप और एसीटोन का C डबल बॉन्ड O, वहाँ पे उन दोनों के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स होगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे टाइप की बॉन्डिंग के बारे में डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो अबाउट द बॉन्डिंग बना दूंगा। नेक्स्ट हमारी पेयर है एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन की, तो इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा, क्योंकि देखो ये CN और यहाँ पे जो एसीटोन है उसके अंदर C डबल बॉन्ड O होता है, और इन दोनों ग्रुप में देखो यहाँ पे डाइपोल जनरेट होगी, यहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे, डाइपोल जनरेट होगी, राइट, क्योंकि CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और कार्बोनिल भी ग्रुप में C का पार्ट कैसा होता है, पॉजिटिव, और का पार्ट नेगेटिव, तो दो टाइप की डाइपोल यहाँ पे बनेगी, और इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होगा वो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.24, बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन नॉर्मल ऑक्टेन एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सॉल्यूट वो है साइक्लोहेक्सेन, KCl, मेथेनॉल एंड Ca3CN, राइट, एसीटोनाइट्राइल। तो चलिए हम पहले ही जान लेते हैं कि ये एन ऑक्टेन कैसा है। तो एन ऑक्टेन कैसा है, तो वो नॉन पोलर है, और हम ये जानते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, अगर नॉन पोलर है तो अपने अंदर नॉन पोलर सॉल्यूट को ही वो डिजोल्व करेगा, अगर पोलर है तो वो पोलर को सॉल्यूबल करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको जो नॉन पोलर दिख रहा है वो है साइक्लोहेक्सेन, तो वो इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा एन ऑक्टेन में, जबकि मिथेनॉल एंड एसीटोनाइट्राइल ये दोनों पोलर है ड्यू टू द OH एंड साइनाइड ग्रुप, तो ये वेरी लो सॉल्युबिलिटी दिखाएंगे इन द एन ऑक्टेन। और जबकि तो KCl आयोनिक कंपाउंड है तो वो तो इसमें इनसॉल्यूबल ही रहेगा, सॉल्यूबल होगा ही नहीं, अगर KCl को वाटर में डालते तो वो पोलर पोलर में सॉल्यूबल हो जाता, इस आयोनिक कंपाउंड को वो आयोनाइज कर देता, लेकिन ये नॉन पोलर ऑक्टेन के अंदर ये हमारा KCl आयोनाइज होगा ही नहीं, मतलब इनसॉल्यूबल रहेगा। तो अब हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉल्युबिलिटी को, तो सबसे कम हमारा जो सॉल्यूबल होगा मतलब इनसॉल्यूबल ही रहेगा वो है KCl, उससे ज़्यादा मिथेनॉल होगा, और मिथेनॉल से ज़्यादा सॉल्यूबल होगा Ca3CN मतलब एसीटोनाइट्राइल, क्योंकि ये ज़्यादा पोलर है कंपेयर टू दी एसीटोनाइट्राइल, और सबसे ज़्यादा जो सॉल्यूबल होगा वो है साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि वो खुद नॉन पोलर है, और नॉन पोलर ऑक्टेन के अंदर
इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.25। अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई व्हिच आर द इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो चलो वन बाय वन करेंगे। आपको जैसे अभी पता है कि मैंने अभी बोला कि लाइक डिसऑल लाइक, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है वाटर के अंदर, और वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। तो देखो जिसकी पोलारिटी ज़्यादा वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा, लाइक फिनॉल। फिनॉल के पास OH है, फिनॉलिक OH ग्रुप है, तो वो होगा पार्शियली सॉल्युबल। देन आएगा टॉल्यूइन, टॉल्यूइन के पास कोई भी ऐसा पोलर ग्रुप नहीं है, इसलिए वो कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। फॉर्मिक एसिड में HCOOH, दैट मीन्स ये काफ़ी पोलर कंपाउंड है, पोलर एसिड है, तो ये तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर के अंदर। फिर है इथिलीन ग्लाइकोल, जिसके अंदर होते हैं OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप की वजह से वो वाटर में विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म के पास CHCl3, मतलब ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के साथ सॉल्युबल होगा ही नहीं, वो दोनों लेयर उसके सेपरेट ही रहेंगे, इसलिए इसमें क्या आएगा, इनसॉल्युबल आएगा। नेक्स्ट है पेंटेनॉल, पेंटेनॉल के अंदर होता है OH ग्रुप, और ये OH ग्रुप की वजह से ये वाटर में होगा पार्शियली सॉल्युबल। ये 5 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसलिए पार्शियली सॉल्युबल होगा। अगर 2 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला, मतलब मिथेनॉल या इथेनॉल होता, तो वो वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाता। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.26। इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज 1.25 ग्राम पर ml एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयन पर किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ सोडियम आयन्स इन द लेक। तो चलो यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो लिखते हैं कि 1.25 ग्राम पर ml डेंसिटी दी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 92 ग्राम ऑफ सोडियम है पर किलोग्राम ऑफ वाटर, और हमें फाइंड आउट करना है मोलालिटी को। अब मोलालिटी किसको बोलते हैं, तो हमें पता है मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, उसको कहते हैं मोलालिटी, राइट। यहाँ पे वाटर है एज अ सॉल्वेंट, तो देखो यहाँ पर किलोग्राम ऑफ वाटर कितने आयन है, 92 ग्राम, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 92 ग्राम होते हैं सोडियम आयन। देखो अब यहाँ पे ग्राम ऑफ द सोडियम आयन है, लेकिन हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल कैसे मिलेगा, तो हमें पहले इक्वेशन पता है मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मास है 92 और मोलर मास है 23, तो इससे हमें मिल जाएगी मोल, और वो मिलेगी 4 मोल। और ये 4 मोल कहाँ से मिले, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर 92 ग्राम सोडियम है उसके मोल मिले, मतलब 4 मोल इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मीन्स वो हो गई हमारी मोलालिटी। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.27। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6×10⁻⁶, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो पहले ये समझ लो कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, राइट। यहाँ पे KSP की वैल्यू दी है 6×10⁻⁶, लेकिन उसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम CuS को डिसॉल्व करें तो 2 आयन मिलेंगे हमें, Cu+2 एंड S-2। अब इनका मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो प्रोडक्ट होती है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दैट मीन्स इसके भी m और इसका भी m, मतलब m अगर Cu+2 हो गए तो m कितने होंगे, S-2, और इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन की जो प्रोडक्ट है वो है हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। तो m × m क्या हो जाएगा, m2। अगर मुझे m चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, Ksp^1/2। तो यहाँ पे जो Ksp है वो है 6×10⁻⁶, और उसका मैं रूट निकालूंगा तो जो आंसर मिलेगा वो है 2.45×10⁻⁸ मोल पर लीटर, और वो है मोलारिटी, दैट मीन्स मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्यूएस सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.29। नालरोफिन सिमिलर टू द मॉर्फिन इज यूज टू कॉम्बैट विड्रोवल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। डोज ऑफ नालरोफिन जनरली गिवन इज 1.5 मिलीग्राम। कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5×10⁻³ मोलल एक्वियस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। देखो यहाँ पे मैंने नालरोफिन एंड मॉर्फिन दोनों के स्ट्रक्चर आपको दिए हैं, राइट। तो चलो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास जो डेटा है वो है क्या है कि डोज ऑफ नालरोफिन कितना होता है, 1.5 मिलीग्राम, और हमें फाइंड आउट करना है कि मास ऑफ 1.5×10⁻³ मोलल एक्वियस सॉल्यूशन कितना चाहिए 1.5 मिलीग्राम डोज के लिए। तो देखो 1.5×10⁻³ मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 1.5×10⁻³ मोल्स होगा किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो चलो अब हमें यही फॉर्मूला यूज करनी है
कि 1.5 मिलीग्राम ऑफ नेदरोफिन दैट मींस 1.5 टू 10 रेस्ट माइनस 3 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करेगी उसका मोलर मास, तो हमें क्या मिलेगा इसके हमें मोल मिलेंगे और वो मोल हो गए 4.8174 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 6 मोल। तो इतना करने से हमको पता चला कि 1.5 मिलीग्राम नेदरोफिन के मोल कितने हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 3 मोलल सॉल्यूशन हमारे पास है, मतलब 1000 ग्राम के अंदर कितना होगा, 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 3 मोल होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा रिवर्स कर देता हूँ, लाइक 1.5 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 3 मोल है किसके अंदर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। अब हमारे पास कितने मोल है, 4.8174 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 6 मोल है, तो वो कितने ग्राम वाटर के अंदर होगा, तो ऑफकोर्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.211 ग्राम वाटर के अंदर। मतलब अगर आप इतने ग्राम वाटर लोगे तो उसके अंदर क्या होगा, इतना मोलल होगा हमारा नेदरोफिन, तो उसका डोज हो जाएगा 1.5 मिलीग्राम। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.30, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मिथेनॉल। तो चलो मैं आपको एक सिंपल इजी इक्वेशन देता हूं कि मोलारिटी m इज इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगेन मैं बता देता हूं कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है तो आपको ये 1000 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये ml है तो यहां पे 1000 आएगा। देखो यहां पे वो 250 ml लिखा है, दैट मींस ये 1000 यहां पे यूज होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो इक्वेशन बनेगी ये दोनों जाएंगे यहाँ पे ऊपर, तो होगा मोलारिटी m इंटू द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और ये 1000 आ जाएगा नीचे। अब इन सभी के वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, लाइक मोलारिटी कितनी चाहिए, 0.15 चाहिए, जो मोलर मास है हमारा बेंजोइक एसिड का वो आप फाइंड आउट करोगे तो आएगा 122.12, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें 250, तो मैंने यहाँ पे 250 लिख दिया और 1000 तो नीचे था ही, और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.5795 ग्राम बेंजोइक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml 0.15 मोलर सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.31, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ और एसिटिक एसिड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेस इन द ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो चलो यहाँ पे मैंने तीनों तीन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए है, ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और ये है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। तो चलो यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऑन द अल्फा कार्बन एटम ऑफ द एसिटिक एसिड द एसिड स्ट्रेंथ एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज। देखो ये जो हमारा कार्बन है वो है कार्बोनाइल कार्बन और इसके साथ जो अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो वो क्या करेंगे उसके एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वाट ऑफ फैक्टर आई इंक्रीज होगा एंड द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट वो भी बढ़ेगा, राइट। अगर बात करें ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की तो वो मोस्ट एसिडिक है, तो ये जो तीन फ्लोरिन है इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, दैट्स वाई ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। अब ये जो क्लोरिन है वो फ्लोरिन से कम होता है, राइट, उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, तो सबसे ज़्यादा फ्लोरिन होगा उससे कम क्लोरिन वाला मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और सबसे कम होगा हमारा ये एसिटिक एसिड का। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.32, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ Ca3CH2CHClCOOH दैट मींस 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, Ka इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 रेस्ट माइनस 3, Kf इज इक्वल टू 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे के ए की वैल्यू दी है दैट मीन्स ये हमारा वीक एसिड है, तो हम क्या करेंगे पहले इसका मोल फाइंड आउट करेंगे पे कितना मोल ये है, राइट। तो यहाँ पे 10 ग्राम लिया है और ये 122.5 जो है मोलर मास, तो हमें मिल जाएंगे इसके मोल। तो देखो मोल तो मिल गए, अब मोलालिटी फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो देखो ये 0.08 मिलूंगा और ये 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर है, दैट मीन्स मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसको, दैट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसको 1000 से डिवाइड करूँगा तो डिवाइड का डिवाइड करेंगे तो मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 0.08 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250, तो ये जो मिला 0.326 वही इसकी मोलालिटी। अब आगे हमें क्या करना है, इसका आयोनाइजेशन दिखाते हैं। तो ये एसिड है तो ये एच यहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। अब इसके आयोनाइजेशन से हमें ये नेगेटिव पार्ट मिलेगा और ये प्रोटॉन मिलेगा। सपोज यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये दोनों सी अल्फा जितने बनेंगे और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, सी माइनस सी अल्फा। दैट मीन्स हम सी को कॉमन निकाल दें तो क्या रहेगा, सी वन माइनस अल्फा जितना। और इसके लिए के की वैल्यू लिखे तो ये प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या है, सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट है यहाँ पे सी वन माइनस अल्फा। इसको अगर हम ऐसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं लेकिन ऐसे डिसोसिएशन से देखना चाहे तो भी बोल सकते हैं कि सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी वन माइनस अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सी माइनस सी अल्फा। और ये सी अल्फा इस सी की कंपेरिजन में मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन की कंपेरिजन में ये सी अल्फा बहुत ही कम होगा, सो वी कैन निगलेक्ट इट। तो हमें क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब हमें अल्फा फाइंड आउट करना है तो अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, के अपॉन सी रेस टू वन हाफ, मतलब के बाय सी का हम रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू, और वो वैल्यू हमें मिलती है 0.065, राइट। अब हम आई को कैलकुलेट करेंगे वन हाफ फैक्टर, तो टोटली हमें यहाँ जो आयन मिल रहे वो कितने हैं, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, राइट, और होने चाहिए टेक्निकल कितने, वन। तो ये जो आंसर है वो आएगा कितना, वन प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0.065, तो वन के साथ ऐड हो जाएगा तो होगा 1.065। अभी हमारा आंसर आया नहीं है, अभी तो हमें फाइंड आउट करना है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसकी इक्वेशन क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। आई हमें मिल गया कितना, 1.065, के एफ जो कि यहाँ पे दिया है 1.86, और मोलालिटी है उसकी 0.326। अब इन तीनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.647 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में भी लिख सकते हो क्योंकि डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन अगर डेल्टा टी एफ की बात करें तो दोनों में वो सेम ही रहेगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.33, 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व इज 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो ये अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल किया उसके जैसा ही है, पहले हमने फाइंड आउट किए मोल और मोल के बाद हमने फाइंड आउट किया उसकी मोलालिटी, तो वो हमें मिली 0.5 मोलालिटी। अब इसका देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे के एफ इंटू एम करेंगे तो हमें मिलेगा उसका कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो वो है रेशियो ऑब्जर्व फिजिकल प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड। तो देखो ये रेशियो यहाँ पे हम करेंगे 1/0.93। अब ये कैसे हमने किया, तो देखो 1 हमारा ऑब्जर्व होता है और ये 0.93 हमने कैलकुलेट किया तो वो आंसर आया 1.075। अब ये फ्लोरोएसिटिक एसिड का मैंने डिसोसिएशन बताया है तो ये इसके नेगेटिव आयन है और ये यहाँ पे प्रोटॉन में डिसोसिएट होता है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, जैसा भी लास्ट में किया था, सी वन माइनस अल्फा सी अल्फा एंड सी अल्फा। तो टोटल मोल्स यहाँ पे कितने होते हैं, तो टोटल मोल हो गए सी वन माइनस अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, ये सॉल्यूशन में टोटल इतने मोल्स हो गए। अगर इसको सॉल्व करें तो ये सी से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और सी वन इंटू तो ये वन ही रहेगा मतलब सी रहेगा और ये हो जाएगा माइनस सी अल्फा, यहाँ पे प्लस सी अल्फा, यहाँ पे माइनस सी अल्फा, तो वो चला जाएगा, रहेगा क्या, ये सी रहेगा और ये सी अल्फा रहेगा और उसमें से सी कॉमन निकाल दो तो बचेगा सी वन प्लस अल्फा। दैट मीन्स ये जो हम आई कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए ये है हमारी क्या ऑब्जर्व फिजिकल प्रॉपर्टी और होना चाहिए कितना सी, तो वहाँ से सी कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आई इज इक्वल टू वन प्लस अल्फा। जस्ट अभी हमने आई की वैल्यू फाइंड आउट की और वो कितनी मिली थी हमको 1.075, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.075। अब आप इस आई को मत देखो, सिर्फ यहाँ पे देखो 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1.075 जो यहाँ से हमने काउंट किया था, तो अल्फा कितना होगा,
उसको मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये वन चला जाएगा इधर और वो हो जाएगा माइनस में, तो क्या होगा अल्फा इज इक्वल टू 1.075 माइनस वन, दैट मीन्स 0.075। लेकिन हमें और भी फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो ये के ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट दैट मीन्स ये नेगेटिव आयन कैटायन और डिवाइडेड बाय ये फ्लोरोएसिटिक एसिड, राइट, ये कितना होगा सी अल्फा होगा, ये भी सी अल्फा, और ये कितना होगा सी वन माइनस अल्फा। हमारे पास देखो किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू है और साथ में अल्फा की भी वैल्यू। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, जो अभी हमने फाइंड आउट किया कितना था 0.5 था राइट ओवर हियर, और जो अल्फा मिला वो कितने मिला 0.075। तब इन सब को सॉल्व करके हमें के ए की वैल्यू मिलेगी 3.07 इंटू 10^-3 मिलेगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.34, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 मिमी ऑफ एचजी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। चलो पहले जो डेटा गिवन है वो यहाँ पे लिख देते हैं कि पहले मोल ऑफ ग्लूकोज कितने हो गए। देखो 25 ग्राम ग्लूकोज है तो 25 डिवाइडेड बाई 180 जो कि ग्लूकोज का मोलर मास है, तो मोल इसके मिलेंगे 0.139 मोल। और मोल ऑफ वाटर कितना होगा, तो ये 450 ग्राम ऑफ वाटर है और वाटर का जो मोलर मास है वो है 18, तो 25 मोल होगा वाटर। मोल फ्रैक्शन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाई टोटल मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिल जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिला हमें 0.0055। अब इक्वेशन कौन सी आएगी, P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू X, तो X दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन जो हमने यहाँ पे लिख दिया ये P10, तो P10 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो है 17.535 यहाँ से हमको मिल जाएगी और P1 हमको फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते इक्वेशन को, ये 17.535 सामने जाएगा, फिर P1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो P1 का जो आंसर आएगा वो है 17.43 जो हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.35, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज 4.27 इंटू 10^5 मिमी ऑफ एचजी। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन अंडर 760 मिमी ऑफ एचजी। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, सिर्फ हमें यहाँ पे हेनरीज लॉ की इक्वेशन रखनी है कि पी इज इक्वल टू के एच इंटू सी। हमारे पास सी नहीं है तो सी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन होगी पी बाई के एच। पी की वैल्यू गिवन है 760 और कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें के एच चाहिए जो के एच दिया गया है यहाँ पे 4.27 इंटू 10^5। तो पी बाई के एच किया तो हमें जो आंसर मिला वह कॉन्सेंट्रेशन का और वो है 1.78 इंटू 10^-3 मोलल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.36, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए हैविंग अ मोलर मास 140 ग्राम पर मोल वाज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी हैविंग अ मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टोर। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड ए एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ 475 टोर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, लाइक मास ऑफ ए इज इक्वल टू 100 ग्राम जो यहाँ पे दिया गया है, मोलर मास ऑफ ए है 140 ग्राम पर मोल, मास ऑफ बी है 1000 ग्राम और उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल, प्योर बी का वेपर प्रेशर है दैट इज P0B वो है 500 टोर और ए का जो वेपर प्रेशर है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। चलो अब हम क्या करेंगे, अब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो है 475 टोर, वो भी डेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब फाइंड आउट करेंगे ए के मोल और यहाँ पे ए का मास दिया है और ये मोलर मास है, तो इन दोनों को रेशियो से हमें मिल जाएगा मोल ऑफ ए। तो सेम वे से हम बी के भी मोल फाइंड आउट करेंगे, ये है बी का मास और ये है उसका मोलर मास, तो हमें मिल गए बी के मोल। अब हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए फाइंड आउट करना है और आपको पता है मोल फ्रैक्शन की इक्वेशन क्या है, तो वो होगी मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो मोल ऑफ ए है 0.71 डिवाइडेड बाई टोटल मोल में क्या होगा 0.71 प्लस 5.56, तो हमें मिला ए का मोल फ्रैक्शन। सेम वे से आप बी का भी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो,
या 1 माइनस ए करोगे तो भी आपको ये बी का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये इक्वेशन हमें यूज करनी है कि पी टोटल इज इक्वल टू पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी, मतलब ए का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई ए का प्रेशर एंड बी का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई बी का प्रेशर, राइट। और इज इक्वल टू क्या होगा, पी टोटल। अब पी टोटल हमारे पास कितना है, 475। पी ए जीरो हमें पता नहीं इसलिए हमने वैसे ही रखा। हमारे पास ए का मोल फ्रैक्शन है, बी का मोल फ्रैक्शन है और पी बी का प्रेशर है, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो पी ए जीरो मिलेगा उसकी वैल्यू मिलेगी 280.70 टॉर मिलेगी। ये तो हमें पी ए जीरो मिला लेकिन हमें पी ए चाहिए, तो उसके लिए इक्वेशन कौन सी आएगी, पी ए इज इक्वल टू पी जीरो ए इंटू एक्स ए। तो देखो पी ए यहाँ पे कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है और पी जीरो ए की वैल्यू हमें मिली 280.70 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो वो है 0.11, तो इसलिए हमने यहाँ पे 0.11 रखा। तो हमें आंसर मिला पी ए इज इक्वल टू 31.99 टॉर। तो ये है हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.37। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म एट 328 केल्विन आर 741.8 mmHg एंड 632.8 mmHg रिस्पेक्टिवली। अज्यूमिंग दैट दे फॉर्म द आइडियल सॉल्यूशन ओवर द रेंज ऑफ अ कंपोजिशन, प्लॉट पी टोटल, पी क्लोरोफॉर्म एंड पी ऑफ एसीटोन, मतलब प्रेशर टोटल, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड प्रेशर ऑफ एसीटोन एज अ फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। द एक्सपेरिमेंटल डेटा ऑब्जर्व फॉर डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज, तो वो डेटा अभी हमको यहाँ पे दिया गया है। प्लॉट दिस डेटा ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर, इंडिकेट वेदर इट इज अ पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे ये टेबल मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रखा है। यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन यहाँ पे कितना दिया है, देखो 11.8 लिया है लेकिन वो 100 ऐसा किया है मल्टीप्लाई, इसलिए मैंने इसको डिवाइडेड बाय 100 करके ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन लिखा है। ये है प्रेशर ऑफ एसीटोन, ये है प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म और ये पी टोटल, मतलब इन दोनों के समेशन से। और एक्सेल में मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया और वो ग्राफ मुझे ऐसे मिला है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए जो होता है हमारा आइडियल वेपर प्रेशर, लेकिन यहाँ पे जो पी टोटल आ रहा है वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जो डेविएशन होगा वो नेगेटिव डेविएशन होगा। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.38। बेंजीन एंड टोलुइन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ अ कंपोजिशन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टोलुइन एट 300 केल्विन आर 50.71 mmHg एंड 32.06 mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विथ 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। तो चलो सबसे पहले हम मोल ऑफ बेंजीन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है, तो वो है हमारा 80 ग्राम और 78 है उसका मोलर मास, तो हमें मिल गए मोल ऑफ बेंजीन। सेम वैसे मोल ऑफ टोलुइन फाइंड आउट करेंगे, तो ये है मास और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ टोलुइन है 92, दैट मीन्स ये मिल गए हमें मोल ऑफ टोलुइन। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना और अगेन हमें पता है कंस्टिट्यूएंट मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल, तो यहाँ पे हमें बेंजीन के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। सेम वे से हम टोलुइन के मोल फ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ अगर बाइनरी सिस्टम है तो 1 माइनस करके सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। जो इक्वेशन हम यूज करने वाले वो है पी इज इक्वल टू पी जीरो एक्स, तो यहाँ पे जो प्रेशर है बेंजीन का वो कितना होगा, पी जीरो बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो चलो प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना होगा, 50.71 जो हमें यहाँ पे दिया गया है, राइट। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है, तो वह है 0.486 और यहाँ से हमें मिल जाएगा प्रेशर ऑफ बेंजीन जो हमारा होगा 24.65 mmHg। सेम वैसे हम टोलुइन के लिए फाइंड आउट करेंगे, प्योर टोलुइन का जो वेपर प्रेशर होता है वह है 32.06 और यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, तो हमें मिला प्रेशर ऑफ टोलुइन कितना, 16.48 mmHg, राइट। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो इन दोनों का समेशन करेंगे उतना होगा हमारा ये टोटल प्रेशर। तो चलो अभी हम आगे जाएंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज में देखेंगे। ये तो था हमारा सॉल्यूशन में, लेकिन वेपर फेज में कितना होगा वो फाइंड आउट करेंगे। तो देखो टोटल यहाँ पे प्रेशर कितना है 41.13 और उसमें से जो हमारा बेंजीन कंट्रीब्यूट करता है वो है 24.65। तो हम क्या करेंगे, 24.65 डिवाइडेड बाय 41.30, तो ये जो हमें मिला वो वेपर फेज के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे बेंजीन का मोल फ्रैक्शन का, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और वो है 0.16। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.39।
द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज. द मेजर कंपोनेंट आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन विथ अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन ऑफ 20% इज टू 79% बाई वॉल्यूम एट 298 केल्विन. द वॉटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फियर एट 298 केल्विन. इफ द हेनरिस लॉ कॉन्स्टेंट फॉर द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट 298 केल्विन आर 3.30 × 10⁷ mm एंड 6.51 × 10⁷ millimeter respectively, calculate the composition of these gases in the water. तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ O2 कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 20% है और 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो हम क्या करेंगे 20 × 10/100 क्योंकि परसेंटेज को कन्वर्ट हम करने वाला है, तो हमें आंसर मिला 2 एटमोस्फेयर. अब इस एटमोस्फेयर को हम कन्वर्ट करेंगे मिमी ऑफ एचजी में, जिसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 760 मिमी ऑफ एचजी से, तो हमें आंसर मिलेगा 1520. सेम वे से हम नाइट्रोजन को भी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 79% है, तो हमारा जो मिमी ऑफ एचजी मिलेगा वो होगा 6004 मिमी ऑफ एचजी. अब हेनरिस लॉ तो हमको पता है, पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, तो एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन बन लेगी पी बाई के एच. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू का मतलब क्या है, तो वो होगा क्या प्रेशर ऑफ ओ टू डिवाइडेड बाई हेनरिस कॉन्स्टेंट ऑफ ओ टू. ये जो प्रेशर है ओ टू वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, वो है 1520, तो वो हम यहाँ पे रखेंगे और हेनरिस कॉन्स्टेंट ऑफ ओ टू यहाँ पे दिया गया है 3.30 × 10⁷, तो हमें क्या मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू जो है 4.6 × 10⁻¹. सेम वैसे हम नाइट्रोजन के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो है हमारा यहाँ पे 6004 और उसके लिए हेनरिस कॉन्स्टेंट है 6.51 × 10⁻¹, तो इसका आंसर मिला हमें 9.22 × 10⁻¹. तो ये था हमारा आंसर 2.39 के लिए. अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 2.40. डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2. वाटर फैक्टर की वैल्यू दी है 2.47. डिजॉल्व इन अ 2.5 लीटर ऑफ वाटर दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 एटमोस्फियर एट 27 डिग्री सेल्सियस. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. तो जो डेटा हमारे पास गिवन है वो मैंने सभी डेटा यहाँ पे लिख दिए है, राइट. जो इक्वेशन यूज होगी यहाँ पे वो है पाई इज इक्वल टू आई एनआरटी बाई वी. तो हमारे पास पाई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, एन नहीं है, आर है, टी है एंड वॉल्यूम है, तो हम एन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 0.0308 मोल. अब यहाँ पे हमें मास फाइंड आउट करना है, तो मास के लिए क्या करेंगे मोल इंटू मोलर मास, तो मोल हमारा है 0.0308 और जो मोलर मास है उसका कितना है 111 है. तो ऐसा करने से हमको मिल जाएगा कैल्शियम क्लोराइड का टोटल मास. देखो ये 111 क्या है, कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास है, तो इस मोल्स के साथ मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिला मास का 3.42 ग्राम. हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 2.41. डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग दैट इट इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड. तो चलो यहाँ पे मास ऑफ K2SO4 मैंने लिख दिया है, वॉल्यूम लिख दिया है, गैस कॉन्स्टेंट K2SO4 का मोलर मास वो है 174 और टेम्परेचर लिया है हमने 25 + 273 मतलब 298 केल्विन. अब K2SO4 डिसोसिएट होगा तो होगा 2K प्लस के अंदर और SO4 माइनस 2 के अंदर, मतलब K के 2 मोल आएंगे, SO4 माइनस 2 का 1 होगा, दैट मीन्स टोटल आयंस होगी 3. हमारी इक्वेशन क्या होगी, पाई इज इक्वल टू आई एन आर टी बाई वी और यहाँ पे आई की वैल्यू हम कितनी लेंगे 3 लेंगे, एन की वैल्यू हमारे पास है, आर है, टी है और वी भी है, तो पाई हमें मिलेगा 5.27 × 10⁻³ एटमोस्फियर. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय एंड टेक केयर.